many new releases, इतनी सारी सीरीज एंड films. Oof, what to watch? आपका भी हर वीकेंड इसी कंफ्यूजन में निकल जाता है ना? Don't worry, क्योंकि बिंज विंज के आज के इस एपिसोड में मैं आपको OTT से जुड़े सारे अपडेट्स दूंगी एंड साथ ही I'll suggest you some amazing stories जिनको व्यूअर्स ने सच में काफी पसंद किया है. स्टार किड्स के डेब्यू के साथ द आर्चीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है. तो अगर आप फ्रेंडशिप से जुड़ी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं देन यू कैन वॉच दिस वन. वेल, अगर आपको क्राइम थ्रिलर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो इस वीक पंकज त्रिपाठी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कड़क सिंह देखें. इट्स स्टोरी लाइन इज क्वाइट हटके फ्रॉम अदर्स. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है मोहित रैना और अनुपम खेर की सीरीज द फ्रीलांसर, जिसका अब न्यू पार्ट भी आ चुका है जिसमें काफी थ्रिलिंग एंड एंटरटेनिंग कंक्लूजन रखा गया है. पर इसको देखने से पहले पार्ट वन देखना ना भूलें. लेकिन अगर हम अपकमिंग रिलीजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइप है अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म खो गए हम कहां की, जो कि 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. तीन दोस्त, प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप, इन्हीं सब चीजों के अराउंड इस फिल्म की स्टोरी लाइन है. Well, काफी लोगों को फिल्म 12th फेल और एनिमल की OTT रिलीज को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. सो लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू ऑल. रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल नेटफ्लिक्स पर फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ दिसंबर को रिलीज की जाएगी. साथ ही फिल्म 12th फेल, जिसको अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ तक कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी पहुंच चुकी है, Z5 पर जनवरी में रिलीज की जाएगी. अगर आपको भी किसी फिल्म की OTT रिलीज डेट जाननी है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ना अगर बात करें सिनेमा की तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर भी काफी ज्यादा बज बना हुआ है. पूरे साल एक्शन पैक फिल्म्स के बाद फाइनली किंग खान और राजकुमार हिरानी साथ ही एक इमोशनल कहानी लेकर आ रहे हैं जिसमें कॉमेडी और रोमांस का भी तड़का है. सो बिफोर डंकी आई सजेस्ट यू फ्यू फिल्म्स व्हिच विल टेक यू ऑन एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड. Mission Ranigunj is streaming on Netflix. In this film, mining engineer Jaswant Singh Gill leads a challenging rescue mission to save 65 miners trapped in a flooded coal mine. Film Dil Bechara ki kahani novel The Fault in Our Stars se inspired hai. Ye ek bahut touching love story hai. So while watching it, don't forget to keep your tissue boxes near you. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड, जिसमें सोनम AKA जिया अपनी आंखें और अपने छोटे भाई को खो देती है. वेल, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच और एक बार तो इसको जरूर देखना चाहिए. मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर फैमिली एंटरटेनर है एंड साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी डिलीवर करती है, विच मेक्स इट अ नॉट टू बी मिस्ड फिल्म. सो नाउ एक्सक्लूसिवली आप सभी के लिए सेलेब्स भी अपनी OTT रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं. हैव अ लुक. I think people should watch Patal Lok. Patal Lok बहुत बढ़िया सीरीज है and I think everyone should watch. Okay, a movie that you recommend your fans to watch. पहले तो मूवी देख लेना, वो वर्जिन भानु की on Z5. उसके अलावा अगर पसंद नहीं आए तो RRR देख लेना. Now in the next video we will talk about the best of 2023. कौन सी फिल्में और कौन सी सीरीज हैं जिन्हें ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दिया है और साथ ही ये मोस्ट वॉच्ड की कैटेगरी में भी आ गई हैं. ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. करेंटली अभी आप कौन सी सीरीज देख रहे हैं ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें. और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए बॉलीवुड लाइफ के साथ.